अच्छे बहुत अच्छी मूवी है, पूरा मूवी बहुत मूवी देख के मजा आ गया। स्टोरी भी अच्छा है और एक पार्ट आने वाला है, आप जरूर देखने जाइए सब लोग। पास्ट में भी पास देंगे पूरे पास में। भाई क्या मूवी है यार, बॉडी पूरा ये हो गया मेरे बॉडी कसम से यार। बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये माइथोलॉजी जो बनाया बहुत सुपर मूवी, जिसने भी बनाया डायरेक्टर को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मूवी है। सीरियसली एकदम गुपजों में आ जाते, इतना अच्छा मूवी है। थैंक यू वेरी मच भाई। कैसी लगी मूवी? अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। बहुत मतलब थ्रिल्स मिस्ट्रीज से भरी है ये मूवी, और शायद से मतलब इसका लग रहा है और एक सीक्वल आने वाला है। स्टोरी वगैरह कैसी है? मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, मस्ट वॉच है। इतना बढ़िया मूवी बना है, स्पेशली निखिल, हैट्स ऑफ निखिल। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा रहा। हमारे धर्म के खिलाफ हमारे ऐतिहासिक बहुत अच्छा रहा जी सर। इसको जितना नंबर दिया जाए उतना ही कम सर, है। इस मूवी के हीरो हैं निखिल सिद्धार्थ, उनका काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा, ऐसा होना चाहिए औरों को छोड़ करके। ये हम लोगों को बहुत अच्छे लगे, हमारे द्वारिका के विषय में, हमारे धर्म के विषय में बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा किया। ठीक है, इसको जितनी बार देखा जाए उतनी बार ही कम है। और ये ऐसी फिल्म है कि चाहे आप अकेले देखो या फैमिली परिवार के साथ देखो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है जी सर। अच्छा सर, इस मूवी में अनुपम खेर भी हैं, उनके बारे में, उनका काम के बारे में क्या कहिएगा? उन्होंने तो अच्छा किया, उन्होंने तो राय बताया जी, मशवरा दिया उनको प्रोफेसर, तो उन्होंने जानकारी दी जी सर, उन्होंने जो भी कहा अच्छा बताया। अच्छा, अभी तक जिस उन्होंने इस मूवी को नहीं देखा है उनको किस खास तरीके से अपील कीजिएगा कि इस मूवी को देखें आके? उन जिन्होंने नहीं देखा है उनको तो यही बताया जाएगा कि वो खुद देखना चाहे देखें, बल्कि फैमिली परिवार को, उनके जितने दोस्त भी हैं वो सब देखें, वो अपने धर्म के विषय में, अपने इतिहास के विषय में, भविष्य के विषय में जानकारी उनको समझ में आए कि क्या है द्वारिका, क्या चीज है, क्या बात है। लास्ट में रेटिंग कितना देंगे? 5 में से। थैंक यू सो मच सर। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छा लगा। और हाँ, अच्छा क्या लगा सबसे ज्यादा? जो इनकी जो आइडिया है, मतलब जो कॉन्सेप्ट लिया है ना, वो बहुत बढ़िया है कि कृष्ण भगवान सिर्फ मैथ नहीं है, सही में है। ये बहुत अच्छी तरह से दर्शाया। कार्तिकेय 2 किसके तरह पसंद आया आपको? कार्तिकेय 2 लाइक कार्तिकेय 1 तो मैंने देखा नहीं था, लाइक कार्तिकेय 2 देखने के बाद लाइक सिद्धार्थ निखिल सिद्धार्थ हैट्स ऑफ बिकेम योर फैन यार। टोटली लाइक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर से दिखाया, इसमें दिखाया साइंस फिक्शन और माइथोलॉजी, जो मिथ बोलते हैं ना श्री कृष्ण के ऊपर से जो मिथ है, ये द्वारका नगरी कैसे डूब गई, देश नगरी, फिर उसमें दिखाया जो फोटोग्राफिंग, जो जल किस तरीके से गाड़ी पर डूब जाती है उनका, मतलब सारी जगह तो फोटोग्राफिंग अच्छी तरीके से। मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा तो फिर लाइक तो ये हो जाएगा। निखिल ने काम कैसा लगा? मैं निखिल का तो पूरा पिक्चर निखिल के ऊपर से डिपेंड करता है, निखिल को चूज़ किया जाता है, बोलते ना आपको ऊपर वाला कुछ अच्छे काम के लिए चूज़ करता है, हु इज़ द वॉरियर, हु इज़ द सर्वाइवर, हु इज़ द, ये तो आपको चूज़ किया जाता है। तो निखिल को उसी काम के लिए चूज़ किया जाता है, और उसको वहाँ तक वो साइंटिस्ट, वो डॉक्टर रहने के बाद भी वो हर चीज़ का, जो बोलते हैं साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट जैसे मेरे जैसे साइंस, ये होता है कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो उसके बाद फिशर और माइटोलॉजी जो बोलते हैं ना आजकल के जो जो जनरेशन साइंस के ऊपर जा रही, जो कुरान वुरान में जा रही, लेकिन वाई, लेकिन क्यों कुरान और वेद भगवद्गीता ये सबको क्यों महान माना जाता है? कुरान भगवद्गीता जितने भी हमारे स्क्रिप्चुअल रिलीजियस बुक है उनको आज भी क्यों महान माना जाता है, इसमें वो बताया गया। लाइक अनुपमा काम कितना है? अनुपम खेर का, अनुपम खेर का लाइक साइंटिस्ट, अनुपम खेर का लाइक साइंटिस्ट है, अंधे साइंटिस्ट रहते हैं उसमें, लेकिन जो अंधे जो जो ज्ञान जो उनका जो रहता है, जो बुद्धि जो आँखों से जो लोग देख ही सकते हैं वो अंधे लोग देख कर वो सोच के पता लगा लेते हैं। और अनुपमा हाय 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 क्या हॉट जैसी कली है जैसे दिख रहे थे सिंपली में, बोला उसमें उसकी माँ भी कहाँ से छोकरी को लेके आया इतनी कली गोरी घुघरेली बाल वाली, जो डायलॉग्स है ना काफ़ी अच्छे डायलॉग्स है। आपको कौन सीन जो दिल को छू गया हो, एक सीन ऐसा हो दिल को छूने वाले? नहीं, उसमें बहुत सीन है दिल को छूने वाले। एक जब उसका वहाँ पे किडनैपिंग हो जाता है पुलिस स्टेशन पर, किताब जब अनुपमा आकर उसको बजाती है चोरी छुपे से जंप फ्रॉम अ विंडो, वो एक सीन हो गया। फिर उसके बाद जब वो लोग हिमाचल में जाते हैं, हिमाचल में जो गाड़ी को नदी पे ले चढ़ा देते हैं पहाड़ की जगह पे नदी पे चढ़ा, जो बर्फ से पूरा थका हुआ रहता, जो फोटोग्राफी जो दिखाया वो, फिर गोवर्धन पहाड़ और जब पहाड़ के अंदर श्री कृष्णा के जो बांसुरी को कैसे जोड़ के वो जो
आगे का भेद जाना जाता है। बोले पिक्चर में फोटोग्राफर सिनेमा में बहुत अच्छा सा कुछ सीन ही नहीं है जो आप ना पसंद, आप पूरे कॉमेडी भी हो, पंचेस लाइनिंग भी दिए वैसे कॉमेडी, और जो स्क्रिप्ट को जो डायरेक्टर जो मिला वो साउथ इंडियन पिक्चर में जो मार काटता था ये रहता, ज़रूरी नहीं एक्शन सीन ही हो पिक्चर में, विदाउट एक्शन में पिक्चर कितने अच्छे तरीके से, एक चिरंजीव का था भगवान शिव का जो शिवलिंग जाके जो बनाया था, ये ऐसे ही लगा था कि हम लोग वही देख रहे हैं। आपको क्या लगता है रक्षाबंधन अलाज सिंह चड्ढा के सामने चल पाएगी है? भाई आराम से चल पाएगी, एक्चुअली पिक्चर के साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है, इसको मिला नहीं, थिएटर नहीं मिला, मतलब जो बोलते ना स्क्रीन जो वो नहीं मिला, जैसे कश्मीर फाइल को भी शुरुआत में कश्मीर फाइल को भी नहीं मिला था डॉक्यूमेंट्री पिक्चर से, व्हेन द पीपल स्टार्टेड एंटरिंग द थिएटर दे वांटेड अ रिव्यू, जैसे पिक्चर का ये रिव्यू अभी निकलेगा आजकल परसों तो उसको भी मिल जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ अभी जर्मनी के बाद मैं कहता हूँ गेटी में भी पहुँच जाएगी, लाल सिंह चड्ढा तो उड़ जाएगी उससे जगह पर। रेटिंग की बात करें फाइव स्टार में कितने स्टार देंगे आप? फाइव में 4.5 दूंगा, आधा थोड़ा कम कर रहा हूं, क्योंकि गाने नहीं थे, थोड़े गाने, एक दो गाने चाहिए थे गाने के, विदाउट गाने के एक ही गाने थे जो गाड़ी में बैठ के वो हीरो हीरोइन आपस से देख रहे हैं दूसरे को, पसंद नहीं है गाने चक्कर था, बस बस बाकी एवरीथिंग जो बोला पिक्चर सब है जो मतलब पिक्चर थोड़ा हटके बनाया जाए, जो बोलते ना एक्शन वेक्शन नहीं होने के बाद भी ये पिक्चर को आप इन्जॉय कर रहे हो बैठकर, थिएटर में आप बोर नहीं हो रहे, हम लोग बैठ गए वॉशरूम भी जाना था, मैं बोला नहीं रुक जाए यार बाद में जाता थोड़ा सीन ना मिस हो जाए, लास्ट में तो 10 बजे स्टार्टिंग है जो सीन जो हम लोग का उलट पुलट हो गया था, लेकिन एवरीथिंग मूवी में इस तरह का सिद्धार्थ कार्तिक है रियली आप ही इज़ अ यंग स्टार, और जो उन्होंने जिस हिसाब से जो काम किया है उससे पहले भी काफ़ी मैंने उनका जो मूवी है ये मूवी से मैं उनका फैन बन चुका। थैंक यू सर।